सिविल लाइन्स स्थित प्रधान डाक कार्यालय परिसर में रविवार को डाक कर्मियों का संयुक्त महासम्मेलन एवं अधिवेशन सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में भारतीय डाक कर्मचारी संघ तृतीय, पोस्टमैन और भारतीय ग्रामीण डाक सेवक के पदाधिकारी और डाक कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राधे कृष्ण तिवारी और अन्य अतिथियों के भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री बजरंगी दुबे, केपी त्रिपाठी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य मधुसूदन तिवारी उपस्थित हुए। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का अंगवस्त्र देकर और अतिथियों के वरिष्ठ डाक कर्मियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मेलन का उद्देश्य डाक कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान करने के लिए संघर्ष करने के लिए किया गया। सम्मेलन में केशव प्रसाद, मायावती मिश्र, विवेक धर दुबे, लालजी प्रसाद, अनूप पटवा, आशुतोष जायसवाल, अभिषेक श्रीवास्तव सहित अन्य संगठनों के डाककर्मी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राधे कृष्ण तिवारी ने कहा, बहुत ही जटिल सक्रिय भारत माता की अमरनाथ बात जाम में भारत माता की, भारत माता की। तो उनको साल भेंट करके, उनका माल्यार्पण करके, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनका सम्मान नहीं है तो वह परिवार ज्यादा दिन नहीं चलता है। इसलिए परिवार में सबसे पहले हमने, अब मैं साथी लालजी प्रसाद से निवेदन कर, माननीय दंतों पर ठेंगड़ी जी, जिन्होंने बीएमएस की स्थापना की थी, लगे कि ये बीएमएस का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए जिस माँ की गोद में हम पैदा हुए हैं, फल भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 बीएमएस की क्या पहचान, कौन बनाता हिंदुस्तान। आज के परिस्थिति में जीडीएस जिस प्रकार से काम कर रहा है, मानसिक दबाव बहुत अधिक है, काम इतना अधिक आ रहा है कि आदमी को अपना समय परिवार के लिए नहीं देना, नहीं पड़ रहा, कम पड़ रहा है। हमारी इस पवित्र संघ का यही नारा है, त्याग तपस्या और बलिदान, यही ध्येय है हमारे इस पवित्र संघ का। हम अपने कार्यालय में जो भी कार्य करते हैं वो हम एक दबाव को समझ करके नहीं करते, हमारे अंदर यह भावना छिपी रहती है कि हम एक साधना कर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी स्वयंसेवक अपने किसी कार्य को दबाव या बोझ के रूप में नहीं लेता, वो यही सोचता है कि जो भी दायित्व उसे दिया गया है वह देश हित में कहीं ना कहीं से भारत माता की सेवा करने के लिए वह कार्य कर रहा है। अगर वह कर्मचारी पहले कार्यालय में उपस्थित होता है तो भी वो भारत माता की सेवा कर रहा है, लेट तक जा रहा है तो भी भारत माता की सेवा कर रहा है, अपने परिवार के को दिए जाने वाले समय में से भी बहुमूल्य समय अगर कार्यालय में वो व्यतीत कर रहा है तो भी वो भारत माता की सेवा कर रहा है। वह भारत माता का सपूत है और उसके अंदर यही भावना है, त्याग तपस्या और बलिदान। जो काम वो कर रहा है वो बोझ नहीं, वह एक साधना है, वह साधना में विरत रह के अपने कार्यों को पूर्ण कर रहा है। इस प्रकार से वह कर्मचारी भारतीय डाक कर्मचारी का एक सदस्य है, कोई भी भारतीय डाक कर्मचारी का कोई भी सदस्य छोटा या बड़ा नहीं है, सभी बराबर है। कोई अगर पदाधिकारी है सभी पदाधिकारी है, केवल एक प्रतीकात्मक रूप से और उसके प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारी का चयन किया जाता है, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर पारदर्शिता है और जो भी भारत माता को देने के योग्य, जो भी उसके उसके हिसाब से योग्य होता है वह भारत माता की सेवा में अर्पित करता है और उसके अंदर उसके हृदय में एक ही भावना छिपी होती है, भारत माता की जय। आज यहाँ हमारे डाक कर्मचारियों का सम्मेलन है,
जिसमें जो हमारे डाक जीडीएस की या डाक कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उनके जीवन में जो दुश्वारियां हैं उनके ऊपर विचार करने के लिए और अपने संघर्ष के भरोसे सरकार पर दबाव बनाकर उसको पूरा कराने के लिए एक टीम तैयार करनी है हमको। उस टीम के आज चुनाव करना है और इसी के भरोसे इसी के बल से हमको अपनी मांगें मनवानी है। जीडीएस का जो विभागीय कार्य है, कर्मचारियों की जो पेंशन की समस्या है, जीडीएस की भी पेंशन की समस्या है, इन सबों पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए और उनकी दुश्वारियों को दूर करने के लिए हम संघर्षशील रहेंगे। पे फिक्सेशन का जो मामला है, जो लटका पड़ा है, उसे दूर कराने के लिए भी हम संघर्षशील हैं। मिनिमम वेज जो सरकार के द्वारा निश्चित किया गया है, सभी जीडीएस कर्मचारियों को वो निश्चित रूप से दिया जाए।